गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, सभी के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट चैप्टर बिहेवियर साइंस, जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था साइकोलॉजी में, वो पढ़ा था हमने मेमोरी। ठीक है, तो मेमोरी के बारे में काफी डिस्कस किया था और मेमोरी कंप्लीट कर दिया था। आज अपना टॉपिक आ रहा है हमारा फॉरगेटिंग। मेमोरी और फॉरगेटिंग दोनों आपका एक ही चैप्टर है, जिसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट था मेमोरी, अगला पार्ट है फॉरगेटिंग। मेमोरी का मतलब क्या होता है? मेमोरी जिसे हमारी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मेमोरी को स्मृति। हम जो चीजें पढ़ते हैं उसको कुछ टाइम बाद वापस रिपीट करते हैं तो हमें याद आ जाती है, वही उसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी। आज हम पढ़ेंगे उसका रिवर्स, यानी उसका उल्टा। फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग हमें क्या बोलते हैं, विस्मरण। बहुत ही स्मृति ये है, विस्मरण बहुत ही मेमोरी। ये क्या है फॉरगेटिंग? फॉरगेटिंग फॉरगेट, आपने ये वर्ड सुना होगा फॉरगेट वाला। जब आप कोई भी चीज लगभग अपनी सभी एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, नीचे एक ऑप्शन आता है फॉरगेट करना। ठीक है, फॉरगेट करना उसमें मतलब क्या होता है, आपने पासवर्ड क्या होता है, जब आप भूल जाते हो तो उसे क्लिक करते हो, पासवर्ड भूलने पर फॉरगेट करते हो पासवर्ड। फॉरगेट का मतलब क्या होता है, चीजों को भूल जाना। जब आपने कोई चीज पढ़ी है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद जब आप रिपीट करते हो आपको समझ नहीं आता कि उसमें आपने क्या पढ़ा था, दिमाग में कुछ नहीं इसका, तो वो चीज आपके दिमाग से चली गई है, आपके दिमाग से क्या हो गई, ये इरेज हो चुकी है, हट गई, मिट चुकी है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फॉरगेटिंग। पहली चीज इंट्रोडक्शन। तो फॉरगेटिंग का मतलब होता है कोई भी चीज जो हमने पढ़ रखी है वो कुछ टाइम पीरियड के बाद, निश्चित टाइम पीरियड के बाद हम उसे भूल जाए या फिर हमारे दिमाग से कहीं ना कहीं निकल जाए, जिसे हम रिपीट करने में, दोहराने करने में वो चीज हमारे दिमाग में वापस नहीं आए, इसका मतलब वो चीज क्या हो गई, भूल गए। भूलने की प्रोसेस ये तो क्या, भूलना। ठीक है, और भूलने का जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को बोलते हैं फॉरगेटिंग। ठीक है, तो फॉरगेटिंग का मतलब बता सकते हैं, फॉरगेटिंग का मतलब होता है कोई चीज को भूलना, वो उसका कुछ टाइम के लिए भूल चुके हो या परमानेंटली भूल चुके हो। तो याद रखना फॉरगेटिंग दो टाइप से होते हैं, एक होता है परमानेंटली फॉरगेटिंग मतलब स्थायी रूप से भूल जाना, एक होता है अस्थायी रूप से भूल जाना, जैसे आपने भूल गए हो, याद नहीं आ रहा है, अरे कुछ पढ़ा था पर अभी याद नहीं है कुछ। ठीक है, थोड़ी सी हिंट मिलती है आपको वो चीज याद आती है, वो होती है अस्थायी या फॉरगेटिंग का ऐसा हिस्सा जो हम कुछ टाइम के लिए भूल चुके होते हैं। तो फॉरगेटिंग का मतलब ये होता है वो चीज हम कुछ टाइम के लिए भूल सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए भी भूल सकते हैं। ठीक है, मतलब परमानेंट भूल सकते हैं और स्थायी और अस्थायी दोनों तरह से फॉरगेट चीज हो सकती है। यहां तक आप फॉरगेटिंग, फॉरगेटिंग का ये इसको हम किसमें काउंट करते हैं, इंट्रोडक्शन में। आगे आते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन में एक नाम आता है एबिन हॉक्स। ठीक है, क्या नाम आता है, एबिन हॉक्स। एबिन हॉक्स ने जो फॉरगेटिंग की परिभाषा दी है उसने कहा फॉरगेटिंग वो प्रक्रिया है जो हमारे मन की या फिर मानसिक निष्क्रिय प्रक्रिया है। फॉरगेटिंग क्या है, हमारे हमारी मन की मानसिक निष्क्रिय प्रक्रिया है। ये निष्क्रिय प्रक्रिया ये क्या कहलाती है, निष्क्रिय का मतलब क्या होता है, सक्रिय का मतलब जो चीज हमारे मन में क्या है, एक्टिव। निष्क्रिय का मतलब जो डीएक्टिव है, जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, जिसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, वो हम भूल चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कहा, निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया। ठीक है, फॉरगेटिंग एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया। ठीक है, ये परिभाषा दी थी एबिन हॉक्स ने। पहला चीज इंट्रोडक्शन, फॉरगेटिंग होता क्या है, फॉरगेटिंग का मतलब है किसी चीज को भूल जाना। उसके बाद में इंट्रोडक्शन के बाद में पढ़ते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, एबिन हॉक्स ने कैसे पढ़ते हैं, एबिन हॉक्स का फॉरगेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे मन की निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है, मतलब फॉरगेटिंग एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, यहां पे मैं बताता हूं परिभाषा, जिसे पहली परिभाषा बताई थी एबिन हॉक्स ने, इसने क्या बोला था, फॉरगेटिंग एक निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया है। उसके बाद आता है नंबर दो। नंबर दो पे आता है मन के अनुसार। मन के अनुसार, मन ने क्या बताया था, विस्मरण का अभिप्राय स्मृति धारण में असफलता है। ठीक है, मन ने क्या बताया था, इसने बताया ना, विस्मरण
अभिप्राय स्मृति धारण में ठीक है, ये बताने वाला कौन था? मंस पहले था, अभी मंस किसने बताया था? बॉडी के निष्क्रिय मानसिक प्रक्रिया, उसके बाद मन क्या बोल रहा है? मन कह रहा है विस्मरण एक विस्मरण का अभिप्राय स्मृति धारण में असफलता है। ठीक है, तो यहां तक ये दो थे आपकी फॉरगेटिंग की डेफिनेशन। अब हम आगे चलते हैं, जो इनके कारण फॉरगेटिंग जो कारण होते हैं वो क्या होते हैं, फॉरगेटिंग होती किस वजह से, इसके मुख्य कारण वो क्या होते हैं। इन मुख्य कारणों में पांच सिद्धांत या फिर पांच कारण आते हैं, ठीक है, इसके नंबर एक पे आता है समाकलन का सिद्धांत, ठीक है, समाकलन का सिद्धांत। पहले तो चीज हम पढ़ लिया नहीं, कारण पढ़ लिया, किसके फॉरगेटिंग के, हम भूलते क्यों हैं, इसके कारण क्या होते हैं भूलने। पहला कारण है जिसको बोलते हैं समाकलन का सिद्धांत। और समाकलन के सिद्धांत में क्या होता है, समाकलन के सिद्धांत में मोस्टली चीज हमें ध्यान रखनी होती है वो ये होती है पॉल्टी मेमोरी प्रोसेस, ठीक है, पॉल्टी मेमोरी प्रोसेस मतलब इसमें जो हम भूलते हैं ना उसको मुख्य कारण होता है फॉल्टी मेमोरी प्रोसेस। फॉल्टी मेमोरी का मतलब होता है गलत तरीके से सीखना, आपने जो सीखा है उसका जो तरीका यूज किया था वह तरीका क्या था, गलत था, ठीक है, ये हो गया फॉल्टी मेमोरी प्रोसेस। इसमें समाकलन के सिद्धांत में, समाकलन का सिद्धांत होता है जैसे आप कोई चीज सीख रहे हो, ठीक है, उस सीखने का जो आप तरीका यूज में ले रहे हो, जैसे आप मैथ पढ़ रहे हो, ठीक है, मैथ आपको लगभग सभी को पता है मैथ कैसे पढ़ते हैं, आप जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी मैथ इंप्रूव होगी। पर अगर कोई कोई स्टूडेंट उसको रटने बैठ जाए, ठीक है, रट के क्या वो मैथ पूरी कंप्लीट कर सकता है क्या, सब मैथ को कंप्लीटली सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा, नहीं सीख पाएगा, क्यों, क्योंकि जो उसका सीखने का प्रोसेस है वो खुद क्या है, गलत है, गलत प्रोसेस से सीख रहा है। मैथ एक मिलाने वाला सब्जेक्ट है जिसको प्रैक्टिस चाहिए, मैथ के इंप्रूवमेंट के लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अब आप प्रैक्टिस ना करके उसको रटने की कोशिश करोगे तो मैथ को हम रट नहीं पाएंगे। और ऐसे ही जैसे कुछ ऐसी चीजें होती है प्रैक्टिकल ही होती है, जो प्रैक्टिकल करने में इजी में समझ में आ जा रहा है तो उसको आप अगर रटोगे तो वो प्रोसेस आपके लिए क्या होगा, गलत होगा। तो किसी भी चीज को अगर आप गलत तरीके से सीखोगे तो वो चीज आपके दिमाग से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये होता है पहला सिद्धांत समाकलन का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं जिसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है फॉल्टी मेमोरी प्रोसेस। नंबर दो आता है अनाभ्यास का सिद्धांत। अब जैसे ये लाइन लिखी है ग्रुप नंबर दो अनाभ्यास का सिद्धांत, इसमें आपको जो वर्ड लिखा हुआ अनाभ्यास, ठीक है, इससे आपको मतलब पता चल रहा है कि हम भूलेंगे क्यों, भूलने का कारण क्या होगा, क्या होगा, अनाभ्यास मतलब अभ्यास नहीं करना बिना अभ्यास के। अगर आप चीज सीख चुके हो उसका अभ्यास करोगे ही नहीं, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उस चीज को आप धीरे धीरे एक टाइम ऐसा है जब आप उस चीज का भूल जाओगे। तो आपने मैथ पढ़ी थी 10th 11th में पढ़ी थी, अभी 3 साल और नहीं पढ़ोगे आगे जाके 6-7 साल बाद जब आप मैथ उठोगे तब आपकी वो मैथ उतनी अच्छी होगी जितनी आप 10th में थी, नहीं होगी, क्यों, आपने वापस रिसिटेशन नहीं किया, अभ्यास नहीं किया। इसी देखने को ऐसी चीज जो आपने करना सीख लिया हो उसका वापस आप रिपीटेशन नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे तो वो चीज आपकी मेमोरी से क्या हो जाएगी, फॉरगेट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा सिद्धांत होता है अनभ्यास का सिद्धांत, वर्ड से पता चलता है अनभ्यास का मतलब क्या, अभ्यास नहीं करना, और आप अभ्यास नहीं करोगे तो वो चीज आपकी मेमोरी से
इरेज होते हैं। ठीक है, नंबर दो का अनाभ्यास का सिद्धांत, नंबर तीन क्या आता है अभिप्रेरित विस्मरण, नंबर तीन क्या आता है अभिप्रेरित विस्मरण, इसी का दूसरा नाम है फ्रायड का सिद्धांत। तो ये चीज आप ध्यान से याद रखना, अभिप्रेरित विस्मरण के सिद्धांत को क्या बोलते हैं फ्रायड का सिद्धांत। तो इन दोनों से कोई वर्ड आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही है। अभिप्रेरित विस्मरण है इसको कहने वाला कौन था फ्रायड का, इसीलिए सिद्धांत को बोलते हैं फ्रायड का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है, इस सिद्धांत में ऐसा होता है कि जो चीजें हमें दुख देती है, कष्ट देती है, ठीक है, जिससे हमें कहीं कभी ना कभी तकलीफ हुई हो, तो उन चीजों को हम जानबूझकर जो होती है उसको हमें भूलने की कोशिश करते हैं। मतलब प्रेशर के साथ जानबूझकर जो बुरी चीजें हैं, कोई बुरी घटना है, ठीक है, आपके साथ भले कभी भी कोई बुरा हादसा हो रखा हो, तो आप उस चीज को बार बार याद करने की कोशिश करोगे, भूलने की कोशिश करोगे, भूलने की कोशिश करोगे। हाँ, तो ये चीज वही भी अप्लाई होती है। इसमें क्या होता है, जो भी बुरी घटना है, ठीक है, आपके साथ बुरी घटना घटित हो चुकी है, आपके साथ कोई बुरा हुआ है, उसको आप भूलने की कोशिश करोगे, इसी को बोलते हैं अभिप्रेरित विस्मरण का सिद्धांत या फिर फ्रायड का सिद्धांत। ठीक है, फ्रायड ने क्या बताया था कि अगर कोई भी विद्यार्थी स्टूडेंट बच्चा कोई भी बालक कोई भी मनुष्य होता है, उसमें ये प्रवृत्ति होती है कि वो अपने जो भी बुरी यादें होती है, जो उसको परेशान किया हो, जिसने कभी ना कभी उसको कष्ट पहुंचाया हो, या जिस यादों के वजह से उसको कभी ना कभी तकलीफ हुई हो, तो वो मानव उन यादों को दबाव के साथ भूलने की कोशिश करता है। इसी सिद्धांत को बोलते हैं अभिप्रेरित का सिद्धांत। ये सिद्धांत तो आपके साथ कभी के साथ इतना हुआ होगा, कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपके साथ कोई बुरी घटना हुई होगी, चाहे वो आपके टीचर ने आपको मारा हो, या किसी फ्रेंड ने आपको मारा हो, या किसी लड़ाई में आपकी लड़ी हो, कोई भी ऐसी घटना है, या फिर ज्यादा मेहनत करने के बाद में आप रिजल्ट बहुत खराब जाओ, जिसकी वजह से आपको ज्यादा दुखी हो चुके हो, तो वो चीज आप याद करने की कोशिश करोगे क्या, नहीं करोगे ना, इससे क्यों, क्योंकि आप किसी सिद्धांत पे कार्य कर रहे हो, अभी आप वो चीजें दबा के भूलने की कोशिश कर रहे होते हो। ठीक है, अब अगला आता है बाधक सिद्धांत, नंबर चार क्या आता है बाधक सिद्धांत, इसी को बोलते हैं हस्तक्षेप का सिद्धांत। हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है, बाधक मतलब बाधा उत्पन्न करना, हस्तक्षेप का मतलब क्या होता है इंटरफेयर करना, यानी कि दो मामलों में तीसरे का इंटरफेयर क्या कहलाता है हस्तक्षेप, दो जनों के कोई बात करें उसमें अगर बीच में तीसरा जाए तो वो क्या कर रहा है उनकी बात में हस्तक्षेप, और इसका मतलब उनकी जो काम चल रहा है उसका बाधक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बाधक सिद्धांत या हस्तक्षेप का सिद्धांत। ये सिद्धांत आपस दो टाइप के होते हैं, अंतर्लक्षी अवरोध सिद्धांत में दो वापस सिद्धांत आते हैं, पहला आता है अग्रलक्षी अवरोध, दूसरा आता है पश्चलक्षी अवरोध। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जब आप जो फॉरगेटिंग का प्रोसेस है उसमें बाधा कोई भी चीज जिसकी क्या हो बाधा उत्पन्न करते हैं, वो दो चीजें हो सकती है, जैसे इसमें ये चीज होती है आपके साथ दो ज्ञान होते हैं, एक नवीन ज्ञान और एक पुराना ज्ञान, जो आपने पहले सीखा वो ज्ञान और एक जो अब सीखा वो ज्ञान, दोनों ज्ञान एक दूसरे पर प्रभावी हो, ठीक है, दोनों ज्ञान क्या हो एक दूसरे पर प्रभावी हो, तो पहली चीज अगर आपका नवीन ज्ञान जो पुराने ज्ञान को बाधा, मतलब जो नवीन ज्ञान है
वो आपके पुराने ज्ञान पर इफेक्ट डाले, मतलब नवीन ज्ञान ज्यादा प्रभावी हो, जो नई चीज है वो आपको ज्यादा याद रहती है, वो आएगा इसमें। ठीक है, नवीन ज्ञान ज्यादा प्रभावी हो जिसकी वजह से आप पुराना ज्ञान क्या करते हो भूल जाओ, पुराना सीखने को भूल जाओ, नवीन चीज आपको याद रह जाए, वो आपकी पश्चिमी अवरुद्ध। अवरुद्ध क्या होता है, जो आप नई चीज सीख रहे हो वो आप नहीं सीख पा रहे हो पुराने वाली चीज की जानकारी। अब इन दोनों में उदाहरण के साथ समझा दो, पहला अवरुद्ध क्या होता है, ठीक है, लगभग नॉर्मल में बाइक सभी ने चलाई, लगभग सभी ने चलाई होगी, तो आपको ये चीज पता होगा जो हीरो होंडा कंपनी की अगर बाइक आती है वो एक टीवीएस बाइक आती है, टीवीएस जो प्लैटिना अगर बाइक आती है उनमें जो गियर का सिस्टम होता है वो हीरो होंडा की बाइक से गियर का सिस्टम क्या होता है, उल्टा सीधा होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे मतलब आपने रेगुलरली हीरो होंडा की बाइक चलाई है तो आप अगर टीवीएस की बाइक चलाओगे तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, गियर में आपकी बार बार प्रॉब्लम आएगी, आइडिया नहीं आएगी, आएगी क्यों, क्योंकि तो आपको पुराने ज्ञान है, हीरो होंडा की बाइक चलाना सीख रहा उसमें गियर लगते हैं पीछे जब प्लेटिना लगते हैं आगे, तो जो आपको पुराना ज्ञान है वो आपके जो नवीन ज्ञान है क्या करा बाधा उत्पन्न करा, सीखने में कहीं ना कहीं अड़चन आ रहा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है पुराना ज्ञान नवीन ज्ञान में क्या करा है बाधा उत्पन्न करा है। इसी तरीके से आपको हिंदी मारवाड़ी अच्छी लैंग्वेज आ रही है, इनसे जुड़ी हुई आप संस्कृत भाषा सीखना शुरू करो तो आपका क्या होगा, हिंदी का ग्रामर और संस्कृत का ग्रामर अलग इक्वल होता है, होता है या नहीं होता है, इक्वल होता है, तब आपका संस्कृत का ग्रामर पढ़ोगे बीच बीच में आपकी कई जगह संस्कृत के ग्रामर में आप करते जाते हिंदी में कब पहुंच जाओगे आपको पता ही नहीं चलता, ऐसा होता है या नहीं होता है, ट्राई करो एक बार जरूर होगा। ठीक है, क्यों, आप जो पुराना ज्ञान है जो आपने पहले सीखा है वो ज्ञान आपके नवीन ज्ञान क्या कर रहा है बाधा उत्पन्न कर रहा है, जो आपको पुराने ज्ञान क्या कर रहा है नवीन ज्ञान में बाधा उत्पन्न करना है। ठीक है, यह तो हो गई पुराने ज्ञान नवीन ज्ञान में बाधा उत्पन्न करे तो उसको अग्रलक्षी बोलते हैं, अग्रलक्षी का मतलब क्या होता है जिसमें बाधा उत्पन्न करते वो चीज, अग्र का मतलब अभी सीख रहे अगर उसमें बाधा उत्पन्न हो अग्रलक्षी। ठीक है, और पश्चलक्षी मतलब जो हमारा पुराना ज्ञान है, ठीक है, नवीन ज्ञान कितना अभिभूत है कि नवीन ज्ञान ज्ञान के बाद पुराना ज्ञान भूल जाए, पश्चलक्षी पहले सीखा वो भूल जाए तो क्या होगा, पश्चलक्षी जो अभी सीख रहे हैं वो नहीं सीख पा रहे हैं। ठीक है, जो अभी सीख रहे हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है तो अग्रलक्षी पहले सीखा है वो भूल रहे हैं। ठीक है, तो वो हो गया पश्चलक्षी। कैसे, नॉर्मल एग्जाम्पल फोन सभी के पास है, ठीक है, आपके आपको लगभग अब आपके पास कौन सी सीम है उसके नंबर सभी को याद होंगे, बल्कि आप इसको ऐसा कुछ एक कंडीशन में होंगे आपको बात जो अपने पुराने नंबर भी अभी तक याद होंगे, वरना आपके जो पुराने नंबर चले गए नए नंबर आ गए तो नए नंबर आपके दिमाग में क्या होते हैं सेव हो जाते हैं। ठीक है, क्यों, आपने नया ज्ञान सीख लिया है तो पुराना ज्ञान क्या हो गया आपके मेमोरी से फॉरगेट हो गया, पुराना ज्ञान क्या हो गया फॉरगेट हो गया, इसको बोलते हैं पश्चलक्षी अवरोध। इसी के साथ लास्ट और इसी हमारे टॉपिक का जो चैप्टर का लास्ट पॉइंट आता है वो आता है ह्रास का सिद्धांत। ये सिद्धांत नॉर्मल का और सिंपल का सिद्धांत है, ह्रास का सिद्धांत, आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी मेमोरी में फॉरगेट होती रहेगी, सीधा प्रोसेस है, अभी आप सीख रहे हो धीरे धीरे सीखते जाओगे सीखते जाओगे, एक एज इतनी आएगी कि आप जितना सीख सकते उतना मैक्सिमम सीख पाओगे, उसके बाद उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका सीखा हुआ भी डाउन होता जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं ह्रास का सिद्धांत, एक निश्चित उम्र के बाद में आपका सीखा आप जितना भी सीख पा रहे हो वो सीखा हुआ प्रोसेस धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो जाएगा, इसको बोलते हैं ह्रास का सिद्धांत। पहली चीज इंट्रोडक्शन में पढ़ा था फॉरगेटिंग के तरीके से, फॉरगेटिंग का मतलब भूलना, ये पढ़ी थी दो डेफिनेशन, उसके बाद पढ़े थे भूलने के कारण, पहला पढ़ा था समाकलन का सिद्धांत, इसमें क्या था फॉल्टिंग मेमोरी प्रोसेस, मतलब आपने जो तरीका यूज लिया है विधि यूज लिया है वो आपका क्या था गलत था जिसके वजह से आप सीख नहीं पाते। दूसरा था अनभ्यास का सिद्धांत, अनभ्यास में क्या होता है आप अगर अभ्यास नहीं करोगे वो चीज आपको याद रहेगी ठहरेगी। ठीक है, जिस चीज को आप बार बार रिपीट करोगे दोहराओगे अभ्यास करोगे वो चीज याद रहेगी और जिसका आप अभ्यास नहीं करोगे वो चीज आप भूल जाओगे। तीसरा सिद्धांत था अभिप्रेरित विस्मरण का सिद्धांत, जिसको बोलते हैं फ्राइड का सिद्धांत, जो हमारे मन में बुरी घटनाएं वगैरह होती है उसको हम फुल फोर्स या प्रेशर के साथ भूलने की कोशिश करते हैं, बुरी घटनाएं कोई भी ऐसी चीज है जिसने हमें तकलीफ दी हो,
ठीक है, चाहे वो कोई अपना फ्रेंड ही ना, जिसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई हो, हम उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, ऐसे फ्रेंड हमें चाहिए, क्यों? क्योंकि उसने हमें प्रॉब्लम दी थी, उसकी वजह से हमें क्या हुई थी, प्रॉब्लम हुई थी, तो हम क्या करेंगे, उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। चौथा था बाधे सिद्धांत, कैसे बोलते हैं, हस्तक्षेप का सिद्धांत। इसमें दो सिद्धांत होते हैं, पहला अग्रलक्षी अवरोध, दूसरा पार्श्वलक्षी अवरोध। अग्रलक्षी में सबसे पहले क्या लिखा हुआ, अग्र, अग्र का मतलब जो हम आगे वाला सीख रहे हैं उसमें पुराना ज्ञान क्या करे, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, इसमें बाधा उत्पन्न करें जो हम अभी सीख रहे हैं, अग्रलक्षी का आगे वाला अभी सीख रहे हैं। जैसे बाइक्स का उदाहरण दिया था, हम अगर दो बाइक चला रहे हैं, पहले बाइक चला रहे हैं उसका गेट और उसके बाद बाइक के सिस्टम अलग है, तो पुराना जो सिस्टम याद है बार बार वो हमें गलती में यूज में लेते रहेंगे, ठीक है। ये क्या था, अगर लक्षित, क्योंकि आपने पहले सीख चुके हो, उसका बाद बार दूसरी जगह क्या करोगे, आपका तीसरा है तो इसी का दूसरा पॉइंट जो है ना स्पष्ट लक्ष्य, स्पष्ट लक्ष्य क्या होता है, जब आपका ताजा ज्ञान है अभी का, वो आपके पुराने ज्ञान क्या करे, बाधा उत्पन्न करे। जिसका उदाहरण आपको बताया था, तो ग्रामर ले लो, आपने हिंदी का ग्रामर बहुत अच्छे तरीके से कंटेस्ट याद है, संस्कृत का ग्रामर में जाओगे कहीं कहीं ऐसा ग्रामर के टॉपिक आएंगे, आपको पता ही चलेगा आप संस्कृत पढ़ रहे थे या हिंदी, मतलब आप कहां चले जाते हो, हिंदी में चले जाते हो, क्यों, आपको पुराना ज्ञान हावी होना नए ज्ञान, तो वो क्या पार्श्वलक्षी अवरोध। अगला खास का सिद्धांत, खास के सिद्धांत में क्या होता है, बढ़ती उम्र के साथ साथ मेमोरी की फॉरगेटिंग होती है, इसी के साथ आज